बातें शुरू हो जाती हैं। सीधी बात टीवी चीफ एडिटर मिस्टर अंसर अजीज नदवी फेलिसिटेटेड बाय उलेमास ऑन 11th फरवरी 2021 एट दारुसलाम हॉल क्वींस रोड बैंगलोर। चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन मौलाना मकसूद इमरान रशदी खतीबो इमाम जामिया मस्जिद मौलाना बदीउज़्ज़मा नदवी खस्मी चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च ट्रस्ट कर्नाटका मुफ्ती शुएबुल्ला खान मौलाना फरीउद्दीन उमरी एंड अदर ऑल उलेमास वेर प्रेजेंट इन द ओकेशन ऑफ सीधी बात विच रीच्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सारे लोगों ने भी माशाल्लाह नवाजा है, लेकिन हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने एक शेर अपने इस लेटर में लिखा है। वाकईतन आज इसे हमें समझने की भी जरूरत है और गौर करने की भी जरूरत है। हजरत ने लिखा है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बहुत जबरदस्त बात शायर ने लिखा है कि आजकल का जमाना न तोप निकालने का है, न तलवार निकालने का है, न किसी और चीज निकालने की है, बस अखबार निकाल लिया। अखबार अगर निकालते हैं तो यही सबसे बड़ा हथियार समझा जा रहा है। आज हम यकीनन इसकी सदाकत को देख रहे हैं कि मीडिया ने लोगों पे कैसा सहर कर दिया है। जो मीडिया दिखाता है लोगों की जबानी भी वही चीजें निकलने लग जाती हैं। आज इस पर मेहनत की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे मौलाना साहब का जो इजलास था वो तहनियती इजलास था, यानी 4 साल की कलील मुद्दत में सीधी बात के सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 मिलियन और जुमला व्यूज़ की तादाद 19 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सीधी बात इब्तदाही से मुल्क और मिल्लत की सही खिदमत में सही तर्जुमानी में मसरूफ़ है और इन्होंने इतनी कलील मुद्दत में सहाफत के मैदान में इतनी बड़ी तादाद में सब्सक्राइबर्स का होना बहुत बड़ी कामयाबी की दलील है। जबकि आज हज़ारों चैनल्स हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उन चैनल्स में किसी अच्छे चैनल का चलना आज बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे ग्रामी कदर मौलाना अंसार अजीज़ नदवी का उसलूब, पुरकशिश अंदाज, सच्ची बात, हक बात ने कारीन को इतना अपनी तरफ मुतवज्जा किया कि सीधी बात की तरफ हज़ारों की तादाद में लोग मुतवज्जा हुए। ऐसे माहौल में सीधी बात चैनल का कामयाब होना इंतहाई हैरत, ताज्जुब और बड़ी ही कामयाबी की दलील है। कुटुंब जो नम ते कार्यक्रम के नम तम कोन तम नम इनवैट आ दिशली नावे अण तम निन्न कार्यक्रम नावि बंदी बंदा नम तम अभ्युदयन नोड़को नमें तुम खुशी चिखन हे ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಾಧಿಸೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವನು ಏನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಛಲ, ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಆತ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು मुझे स्कूलिंग सिस्टम के लिए जो एक अलग से मेरा एक प्रोग्राम बन रहा है हु इज़ दी स्कूल के नाम से,
हुई इज़ दी टीचर के नाम से और हुई इज़ दी स्टूडेंट्स के नाम से, मुझे वो भी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करना है। मेरा अभी बहुत लंबे मेरे प्रोजेक्ट तैयार है, मेरे जहन में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, माली एतबार से भी और वक्त के एतबार से भी, इसलिए मैं 6 महीने पीछे चल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं उसको जैसे मुकम्मल कर लूँगा 6 महीने के बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को